ठीक है, एकारेंथस एस्प्रा। इस प्लांट में हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट प्लांट है, अगर किसी के घर के पास लगा दिया जाए कुछ एरोमेटिक स्मेल प्रोड्यूस करता है तो सांप उस एरिया में नहीं आता है। ठीक है, अभी नहीं आता, इससे जिद करनी है तो आप ऐसे साथ लगा दोगे कपड़े सारे के साथ उसके, वो क्या ठीक है, ये जो कहते हैं लैंडड़ी लग जाती है। ये एक बात ये नहीं, इम्पोर्टेंट काम है, जो भी एनिमल जब कोई भी जो इसके साथ अटैच होगा, मान लो ये साथ मेरे कपड़ों के साथ लग गए, मैं यहाँ से माइग्रेट करके कौन जाता हूँ, कहीं कपड़ों के साथ लगे हैं तो मैं वहाँ से डिटैच करके कहीं फेंक दूंगा, तो ये सीड है, तो ये सीड डिस्पर्सल में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे इसकी कपड़ों के साथ लगाया ना, अब ये जाकर उधर का प्लांट वहीं थ्रो कर देगा। ठीक है, तो ये आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड मैकेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, चलो आगे। माई टोन माई प्राइड के तहत आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ, श्री कृष्ण चंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के तहत एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल डॉक्टर जसबीर सिंह सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को, और डॉक्टर रानी मुगल HOD डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की क्यादत में बच्चों को लेके आज हम ये चलास के पास यहाँ पहुँचे हैं प्लांट कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास BSc सेमिस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स को लेके हम यहाँ पे आए हैं, और अंडर NEP 2020 के तहत ये प्लांट कलेक्शन के लिए बच्चों को हमने यहाँ पे लाया है, और हमारे पास बच्चों ने यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट फ्रॉम लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स टू हायर ग्रुप ऑफ प्लांट के बारे में पूरे के पूरा इनको हमने एक जनरल ओवरव्यू बताया है। सबसे पहले हमने बच्चों को एल्गी के बारे में डिटेल डिस्कशन की है, यहाँ वाटर बॉडी में दोनों वाटर बॉडी थी, हमारे रनिंग वाटर भी था और हमारे पास स्टैग्नेंट वाटर भी था, तो दोनों वाटर बॉडी में डिफरेंट स्पीसीज जो एल्गी की थी वो भी हमने बच्चों को कलेक्शन भी करवाई है। उनमें हमारे पास हाइड्रोडिक्टियन, असिलेटोरिया, उडोगोनियम और कारा की स्पीसीज भी हमने बच्चों से कलेक्ट करवाई हैं। फिर साथ साथ हमारे पास यहाँ पर कुछ ह्यूमिड एरिया भी था, वहाँ पर हमारे पास दूसरा ग्रुप ऑफ प्लांट हमारे पास ब्रायोफाइट का, दोनों ग्रुप थे यहाँ पे, मॉसिस भी थे और हेपेटिक भी थे, और बच्चों को हेपेटिक्स में हमारे पास कुछ सिलेबस में चीज़ें मेंशन भी हैं, जैसे मार्केंशिया है, देन हमारे पास रुबुलिया है, ये स्पीसीज भी बताई हैं, और साथ साथ में हमारे पास जो मॉसिस ग्रुप है वहाँ पे फिनेरिया भी है, पॉलीट्राइकम भी है, ये स्पीसीज बच्चों को हमने डिटेल यहाँ पर एनालाइज करवाई हैं। साइड बाई साइड हम हायर ग्रुप ऑफ प्लांट में चले जाएंगे तो हमारे पास एंजियोस्पर्मी जो ग्रुप है फ्लावरिंग प्लांट, उसकी यहाँ पर सब ट्रॉपिकल रीजन में ये एरिया आता है, तो सब ट्रॉपिकल रीजन की जितनी हमारे पास यहाँ पर स्पीसीज थी वन बाय वन हमने ईच एंड एवरी स्पीसीज हमारी डॉक्टर रानी मुगल मैम ने भी डिस्कस किया है, और बच्चों को ये कंप्लीट बताया कि इन स्पीसीज को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर एज ए वाइड एडिबल भी हैं, और उनको डिटेल डिस्कस करके उन्होंने बताया भी है कि इन स्पीसीज को हमने कंजर्व करना है, और हमने इन स्पीसीज को कंजर्व करके बाद में कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे करना है आपने विलेजेस में या जहां से जिस बैकग्राउंड से लोग आए हैं कि प्लांट की कितना इम्पॉर्टेंट रोल है और किस ढंग से इनको कंजर्वेशन करनी है, और बच्चों को भी ये एक ऐद करवाया है कि आपने बहुत सारी स्पीसीज को कंजर्व करना है। तो इसी के साथ साथ मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ रानी मैम मैम का कि उनकी क्यादत में ये प्रोग्राम BSc सेमिस्टर फर्स्ट के बच्चों के लिए जो ऑर्गेनाइज किया गया है, शुक्रिया।